कनाडा के भिंडरांवाले टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या के मामले में तीन गैंगस्टर्स कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार को गिरफ्तार किया गया है। कनाडाई पुलिस के जरिए गिरफ्तार इन गैंगस्टरों के संबंध हरियाणा और पंजाब के आपराधिक गिरोह से भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनाडा में पंजाब के कई गैंगस्टर रह रहे हैं। इन्हें लेकर कनाडा की सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों अपराधियों के पास उचित दस्तावेज नहीं था, लेकिन फिर भी ये अस्थाई वीजा पर कनाडा में रह रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को भारत वापस क्यों नहीं भेजा गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने कहा है कि वह तीनों के भारतीय कनेक्शन का पता लगाने के लिए अपने भारतीय समकक्ष यानी NIA की मदद लेगी। हैरानी की बात यह है कि भारत ने RCMP से कम पंजाब के साथ ऐसे गैंगस्टर्स को प्रत्यर्पित करने की मांग की है जो कनाडा में है। NSA रॉ के सचिव, IB के डायरेक्टर और NIA चीफ ने हरियाणा पंजाब में हत्याएं करवाने वाले इन गैंगस्टर्स को वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कनाडाई PM ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत ने जिन गैंगस्टर को प्रत्यर्पित करने की मांग की है उसमें अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का नाम शामिल है। पंजाब के मोगा जिले के रहने वाला अर्श फिलहाल कनाडा के सरे में रह रहा है। सरे वही जगह है जहां निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तरन तारण जिले के हरीके गाँव का निवासी लखबीर सिंह उर्फ लाडा वर्तमान में कनाडा के अल्बर्टा के एडमाउंटन शहर में रह रहा है। वही रमन दीप सिंह उर्फ रमन जज फिरोजपुर का रहने वाला है और वह ब्रिटिश कोलंबिया में छिपा हुआ है। इसके अलावा चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिहला ने भी कनाडा में छिपकर रह रहा है। वही गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला भी भारतीय जांच एजेंसियों से छिपकर कनाडा में ही रह रहा है। इन सभी के बारे में कनाडा को जानकारी भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही फाजिलिका निवासी सतवीर सिंह वारिंग उर्फ सैम अब रोहा भी कनाडा में छिपा है। पंजाब के अमृतसर शहर के डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला स्नोवर सिंह ढिरियन ओंटारियो ने भी रह रहा है। आठवें गैंगस्टर का नाम है सतीजिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार, जो श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। बरार को लेकर कहा जाता है कि वह अभी कैलिफोर्निया में छिपा हुआ है, लेकिन वह कनाडा का निवासी है। इन अपराधियों के वीजा स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये अपराधी भारत सरकार या राज्य सरकार पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाकर शरण मांग लेते हैं और फिर कनाडा में बस जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार को कहीं ना कहीं इस बारे में मालूम है, मगर वह कार्रवाई से बच रही है। वही खालिस्तानियों और इन गैंगस्टर्स के समर्थकों के वोट के लालच में ट्रूडो इन पर कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।